तो गाइस जल्दी चलो, मैं ना कुछ लेकर आया हूँ, आपको दिखाता हूँ कहाँ पे अबे यही चल रहा मतलब इधर आजा, छाँव में आया भाई, धूप होती है। और उससे पहले भाई हमारे गिल्लू से मिलो, हमारा नया फैमिली मेंबर, और कल ही हमारे यहाँ आया, हमारे घर पे पधारा है इन्होंने, और देखो कितना क्यूट है, कितना छोटा सा है। तो ऐसे ही एक पहले भी था हमारे पास, आपने वीडियो में देखी, जो हमारे पहले भाई हैं उन्होंने तो देख ही रखा होगा। अब इसको यहीं रहने देते, अपना धुपकना चाहता है वापसी यहीं, इसको भाई ठंडक चाहिए। ठीक है भाई, यहीं छोड़ देते हैं वापसी। तो गाइस आज ना हमें ना गिफ्ट मिला भाई, बहुत टाइम बाद गिफ्ट मिला, पर मेरे लिए भाई कोई मायने नहीं रखता भाई गिफ्ट कितना बड़ा है चाहे कितना छोटा है। भाई मेरे को कोई कबूतर या कुछ भी देता है ना, लिटरली बताता मैं बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ, क्योंकि भाई का प्यार भाई यही काफी है कि भाई हमें कुछ तो दे रहे हैं ना, बिना मांगे कोई कुछ दे देता है ना भाई गिफ्ट के तौर पर, तो बहुत अच्छा लगता है भाई। और खासकर भाई हमारे वीडियोस देख के भाई आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने भाई बड़े दिल से दिया है, तो सोचा क्यों ना भाई अपने भाइयों को भी दिखाया जाए कि कैसे कबूतर दिया, और वो भी भाई खुश हो जाएंगे जिन्होंने हमें कबूतर दिया है। तो आपको दिखा देता हूँ भाई, ये देखो चार कबूतर है इसमें, ये देखो भाई, और चारों अच्छी नस्ल के हैं। एक इसमें गोला है भाई बस, ठीक है, वो आपको मैं इसकी कंडीशन भी दिखा दूंगा और इसकी हिस्टोरी भी बता दूंगा। अब एक एक करके ना मैं आपको पकड़ के और दिखाता हूँ, फिर बता रहा भाई कबूतर है कैसे। पहले इसी से शुरुआत करते हैं। तो ये एक हैदराबादी कबूतर है गाइस, ये देख लो, ये देखो कितना ही सुंदर कबूतर है, हैदराबादी। और बाकी तो भाई ये बहुत कमजोर था, जब हमारी छत पर आया था ना बहुत ज्यादा कमजोर था, पर अब तो भाई इतना वो चटक हो गई है ना इसके अंदर, अब तो ये ऊपर ही बैठ जाता है। और इसकी एक दिक्कत है भाई, इसके ना बाजू हैंड है, मतलब ये उड़ नहीं सकता बेचारा, इसकी बाजू टूट गई है, तो इधर वाली से टूटी हुई है। देखो अब तो थोड़ा बहुत चला भी लेते हैं भाई, ऊपर पे बैठ जाता है, पहले नहीं तो भाई हल्का सा भी नहीं हिलता था ये अपनी जगह से। तो आप इसकी आंखें देख लो भाई, रुक जाओ आराम से दिखाता हूँ, ये देखो भाई इतना खास कबूतर नहीं है, पर कबूतर अच्छा है भाई, न रहे ठीक है, बच्चे बच्चे निकलवाने लगते तो ठीक है, अपनी छत के लिए तो वैसे भी अच्छा ही है भाई। ठीक है, जो भी दे दे भाई अच्छा है भाई, दिल से दे रहे हैं ना भाई, वो भी काफ़ी है मेरे लिए। तो एक ही कबूतर है भाई हैदराबादी, ठीक है, इसको छत पे छोड़ देते हैं भाई, ये कहीं नहीं जा रहा। दिखा दो भाई को एक बार कबूतर, दिखा दो कितना भाई खूबसूरत है, खड़ा देख रहे हो भाई, मतलब एकदम फुल मस्ती में भाई कबूतर, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। फिर भाई इसके बाद ये वाला कबूतर आया भाई, पता नहीं ये कौन कैसा है भाई, क्या है इसका कबूतर, मंद्रासी है क्या है, पर है भाई ऐसी मेल वेल का ही है, काबली तो नहीं कह सकते भाई से। आप आंखें देख लो इसकी वैसे एक बार, ये देखो आंखें दिख रही है ना आपको, तो आप कमेंट में बताना इसका कबूतर कहेंगे नफ्ता कहेंगे क्या कहेंगे। पर ये ना भाई इसके पर जो है ना आगे से, ये देखो पोट पे, पोटे पे भाई स्लेटी टाइप में बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत लग रहा है इससे। ओए होए रुक जा। और भाई ये ना सारे परिंद का उतर, तो हमने इन्हें कैच कर दिया क्योंकि पर क्या ही बांधते। तो भाई ये हमारे ना जोड़ों के काम आ जाएंगे, हम ना पेटी बनाने वाले हैं अभी, और आगे वाली वीडियो में देखना बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। तो बाकी आप देख लेना, एक ये कबूतर है भाई, और ये कौन सी नस्ल का है ये भी बता देना, इस कबूतर का नाम क्या है भाई ये भी बता देना, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। ठीक है भाई, क्या कहेंगे इस कबूतर को, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अबे भाई नस्ल से क्या ही करना भाई, कबूतर दे रहे हैं वही बहुत है हमारे लिए भाई गिफ्ट में। और भाई इसके बाद ये कि ये ललसरा सा कबूतर, लाल नफ्ता कबूतर है, ठीक है लाल नफ्ता, और अनारी आँखों का भाई, सफ़ेद आँखों का जैसे होते नहीं है, ये देखो ये भी कबूतर लाजवाब है भाई। एक ये पूरी जोड़ ना भाई बहुत अच्छी है, और लगी लगाई जोड़ है उन भाई की छत की जिन्होंने हमें दिए कबूतर, और खुद देखे गए थे भाई, मुझे तो पता भी नहीं था भाई छत पर आए हुए, कट्टा लेकर आए, कट्टे में कबूतर था भाई, बस वीडियो नहीं बना पाया उस दिन, नहीं तो वीडियो भी बनाता। और बाकी तो एक ही कबूतर भाई लाल नफ्ता, ये देख लो, ये देखो कितना ही खूबसूरत है, ये देखो देख रहे हो कितना ही ज़्यादा लाजवाब है। तो भाई देख लो तड़प रहा है बेचारा। और एक ये कबूतर है लाल लफ्ता, और इसकी एक भाई मादी ने ललसरी, देख लो भाई ये है, ये जोड़ बहुत प्यारी है भाई, जो बात है सो बात है भाई, जोड़ लगी लगाई है ऊपर से प्यारी है, इन्होंने तो भाई अपना घर भी ले लिया है, और अंडे भी धरते क्या पता कुछ दिनों में। तो अब इसको छोड़ देते हैं, अब इसको दिखाते हैं, ये देखो ये मादी ने ललसरी, ये कबूतरी बहुत अच्छी है भाई, 55 कबूतरी यहाँ तक की है, ललसरी 55, देख लो भाई चेहरा बहुत अच्छी भाई, पीली आँखों की कबूतरी है बहुत अच्छी, ये देख लो। तो यही कुछ चार कबूतर दिए भाई ने, आपको दिखा देता हूँ छत पे छोड़ के, ये देखो भाई कितने ही सुंदर लग रहे हैं, वो देखो नर तो भाई गुटकने में लग गया उधर जाके, देखो अंदर जाने ही कर रहा है। तो कमेंट में बताओ भाई कबूतर है कैसे, इसे देखो भाई गिल्लू को अपने कहाँ चिपक रहा है, भाई इसके नाखून बहुत चुभते हैं, ये देखना खाली कपड़ों में घुसता रहता है। और यही कुछ कबूतर थे, ये देख लो भाई चार कबूतर अपने गिफ्ट में मिले हुए हैं, तो बताना भाई कमेंट में कैसे लग रहे हैं भाई अपने चारों कबूतर। जैसे कि मैंने गाइस बताया मेरे लिए भाई मायने नहीं है भाई कबूतर कैसी नस्ल का है, बस कबूतर आते हैं ना छत पे, ये तो भाई कुछ भी नहीं है भाई। एक भाई तो मैं भाई 26 कबूतर ऐवी दे के चले गए थे भाई, मतलब बहुत भाई दिल बहुत बड़ा होता है भाइयों का जो कबूतर ऐसे देते हैं। देख लो एक अंकल है उधर रहते हैं, उन्होंने बोला था भाई 6-7 कबूतर देते, उन्होंने बोला था भाई इस कबूतर को कभी मत बेचना, उनका कबूतर आज तक भाई हमारे पास हैगा। इसी तरीके से भाई ये कबूतर भी आपको छत पे ही दिखेंगे, ठीक है भाई, और बताना कबूतर कैसे लगे, ठीक है। और अपने जोड़े वाले कबूतरों को भाई अभी मुझे देना है दाना, जो कि अभी देते हैं इनको दाना भी भाई, इसकी आँख आ रही है क्या, नहीं देखो भाई इनको ना भाई दाना दे देता हूँ, क्योंकि
सुबह सुबह इनको दाना देना पड़ता है मुझे। तो गाइस मैं दाना तो ले आया हूँ, ये देखो ये अपना मिक्स दाना है। अभी तो फिलहाल कुछ खत्म में हो गए हैं इसमें, तो जैसे कि मक्का खत्म हो गया, चने की दाल खत्म हो गई, पर जो है वही तो देना ही पड़ेगा, बच्चों को तो खिलाएंगे ही ना। तो सब में डाल देते हैं, देखो पाँच है तो पाँचों में बच्चे निकल गए, और आपको बच्चे भी दिखा दूँगा किस किस के निकल गए हैं। ये लो भाई सब में डाल देते हैं, हिसाब से डालते हैं, किसी में ज़्यादा डाल देता हूँ क्योंकि जिसके बच्चे बड़े हो गए ना वो बच्चे खुद भी खा लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा डाल देता हूँ। चलो तो गाइस डाल देते हैं दाना, और आपने तो भाई शॉर्ट वीडियो देखी होगी बेचारे की, इसकी मम्मी मर गई है। ठीक है भाई, तो बच्चा तो बड़ा हो गया, ये देखो कितना बड़ा हो गया, तो बाप भी खिला ही देता है बाकी तो। और देखो ये वाले बच्चे भी कितने बड़े हो गए, एक ये बैठा, और बाकी कबूतरी तो अंडे पे होगी। यहाँ पे थोड़ा सा छीट देते हैं, मार रही है। और इस वाले में गाइस ऊपर भी बच्चे निकल गए, देखो वो बैठा हुआ छोटा सा, तो ये अपने बच्चे को खिला देंगे, इसमें ज्यादा है पर दाना यार। चलो कोई नहीं, खा लेंगे। बाकी तो इसमें भी है, इसमें छीट देते हैं थोड़ा सा, इसमें डालेंगे नहीं क्योंकि ये ज्यादा नहीं खाते। और फिर चुटियल का खाना आ जाता है भाई, चुटियल निकल गए ये तो बाहर। खा लो इस, तो मैंने दाना तो सब में डाल दिया है, देखो सब खा रहे कितने मजे में। ये देखो यहाँ बच्चा भी खा रहा है अपना कांवरे का, और बाकी मैं सबको दाना दे देता हूँ, जो लास्ट में बचता है ना सबको थोड़ा थोड़ा घेर ही देता हूँ। और अपने इस वाले जाल में भी बच्चे निकल गए, तो इसमें भी मैंने दाना घेर दिया है, और थोड़ा और घेर देते हैं अभी, लाके नीचे से खत्म हो गया। पर बाकी तो ये सब खा रहे हैं, देखो भाई कितने मजे में सब खा रहे हैं दाना। ये बेचारा ये भी है, नीचे भी डाल दिया मैंने, उनके बच्चे नहीं है फिर भी मैं खिला ही देता हूँ इनको भाई थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भाई मेहनत तो फिर भी कर ही रहे हैं ना अंडों पे बैठे हुए सब। ये जैसे ही खा लेंगे फिर इसके बाद सब में पानी भी डाल देंगे। देखो भाई कबूतर ना पानी के लिए कैसे तड़प रहे हैं, पानी प्यासे हैं बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि बच्चों को खिलाना होता है ना इनको यार, सबसे मेन तो ये बच्चे ही हैं इनके, तो देखो पानी डालते ही पियेंगे। देखो सब कैसे पीने लग गए, देखो चुटियल ने पी भी लिया, तो आदत ऐसी लगानी पड़ती है गाइस, अपना दाना पानी इनको डेली ऐसे मिलने लग गया है ना, तो अपना डेली अब इसी टाइम पे याद रहे। अब तो आज लेट हो गया, नहीं तो भाई इनको ऐसे बहुत जल्दी मिलता है ना वो दाना, कहीं चला गया था इसलिए लेट हो गया मैं थोड़ा, लग जा ऐसे भाई सब में लगा देता हूँ मैं, और सब अपना अपना पी लेते हैं भाई खाने में। ये देखो अभी दोबारा अभी पानी डाल दूंगा सब में भाई, ख़त्म होने के बाद दोबारा गिरूंगा एक बार और ले। चलो भाई पीने भी लग गया लाती, प्यास लग जाती है यार पेटी में, वैसी गर्मी रहती है बहुत ज़्यादा, आपको तो पता ही है। और गाइज मैंने सभी को दाना पानी तो दे दिया है, इधर जो है धूप लग रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं अंदर आ गया हूँ। और बताना गाइज अपने चारों कबूतर कैसे लगे, भाई ने दिल से दिए है तो कमेंट भी दिल से कर देना गाइज, वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना कमेंट में। मिलते हैं गाइज जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।